हाय, दिस इज साहिल खुराना। वेलकम टू द चैनल मर्चेंट्स नेवी गाइडेंस बाय साहिल खुराना। अगर आपने अभी तक चैनल ये वाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट में डालें, क्योंकि हम डेली बेसिस के तौर पे ही वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आपको रिप्लाई दे रहे हैं, तो जरूर इसको करिएगा। तो नया क्वेश्चन है एक, और इसमें पूछ रहे हैं, ब्रो मैं अभी 11th क्लास में हूँ, मुझे DNS करके ऑफिसर लाइन में जाना है, कितना टाइम लगेगा थर्ड ऑफिसर बनने में? नाइस क्वेश्चन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप DNS कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आप कोशिश करोगे मिनिमम 36 मंथ्स का आप सी एक्सपीरियंस लो, किसी भी तरह, 2 बार में, 3 बार में, आपने 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस लेना है, जो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, थर्ड ऑफिसर बन सकते हो, और एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस के बेस पे भी आप बन सकते हो थर्ड ऑफिसर। ये काम एजेंट लोग भी करवा देते हैं कि एक तो होता है जैसे कि आपने एग्जाम दिया, क्लियर करके स्टडी के बेस पे आपने आगे ज्वाइन किया, और एक होता है कि एजेंट से आप करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी रियल में आपका सी एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अगर एक आधी बात मैं और बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा थर्ड ऑफिसर जो रैंक है वो पहला रैंक है जो भी डेक साइड में ऑफिसर का रैंक होता है, तो वो थर्ड ऑफिसर आपको पहले बनना है। तो उसमें क्या है, आपको काम भी उनमें पता ही होता है कि सेफ्टी का इनको करना पड़ता है, 4+4 आवर्स की शिफ्ट लगती है, नेविगेशन वॉच कीपिंग भी करनी पड़ती है, तो इनकी एक जिम्मेदारी होती है। तो उस जिम्मेदारी जो होती है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स चेक करना, सब कुछ चेक करना, जो फ्रेशर्स हैं उनसे काम करवाना, उस लेवल तक पहुंचने के लिए तो आपको मिनिमम 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने आपका सवाल का जो जवाब वो दिया है, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ रह गया या इसमें कुछ और पूछना तो आप दोबारा से कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।